तो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं रियल क्रिकेट 22 जो कि एक क्रिकेट गेम है। तो इसको मैंने लास्ट टाइम खेला था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से, बट मैं सोच रहा हूँ कि आज अपन किसी न्यू टीम से खेलते हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ अपनी तरफ मैं वेस्ट इंडीज़ को ले लेता हूँ और अपने अपोनेंट में मैं ऑस्ट्रेलिया को रख दूंगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मैं जल्दी से वेस्ट इंडीज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये है तो मैं यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ को सिलेक्ट कर लिया। अभी बारी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की। बट ठीक है, एक सेकंड भाई, यहाँ पे मुझे नेपाल दिखिए। नेपाल भी कोई टीम है क्या भाई? पता नहीं यार, मुझे लगा नहीं था कि नेपाल की भी कोई टीम होती होगी क्रिकेट की, बट है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पे मैंने मैच लगा लिया वेस्ट इंडीज़ वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे मैं मीडियम पे कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने इजी पे खेला था, ओवर 2 कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। हार्ड तो सही है, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे मॉर्निंग ही कर देता हूँ, ऑटो कर देता हूँ। यहाँ पे फील्डिंग और कैच, और ये है कुछ मेरी टीम जिसमें पोलार्ड वगैरह है, यहाँ पे एडम फिंच वगैरह है, डेविड वॉर्नर वगैरह है, तो जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के प्लेयर्स वगैरह हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा खेलने में। चलो चलते गेम को, मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। क्या कुछ मुझे यहाँ पे वेलकम लिखा आ चुका है। चलो ठीक है, तो ये दोनों कप्तान है, ये ऑस्ट्रेलिया का, ये वेस्ट इंडीज़ का। वेस्ट इंडीज़ हमारी, ऑस्ट्रेलिया अपनी अपोनेंट है। तो चलो यहाँ पे ट्रोस कर रहा है भाई। ट्रोस के लिए आज मैं हमेशा ही अपोनेंट को ही देते यार, वो काफ़ी ज़्यादा खराब लगता है। तो मैं यहाँ पे हेड ले रहा हूँ, चलो देखते पता नहीं क्या आएगा यहाँ पे, शायद मैं विन हो सकता हूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ पे विन हो चुका हूँ। मुझे बैटिंग चाहिए भाई, क्योंकि आपको पता है हम इंडिया के हैं और हमको बैटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है चलाने में। और यहाँ पे मैंने ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग दे दी है। तो चलो देखते हैं क्या होने वाला है, शायद मैं इस वाले मैच को जीत जाऊँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे तगड़े वाले सिक्सेस मारने पड़ेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लग जाए यार। वैसे लग भी जाएंगे, कुछ भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे एंथम वगैरह हो रही है जिसमें कि मुझे शामिल नहीं होना, क्योंकि मुझे तो आती नहीं है भाई, इंडिया की आती है बस, और क्या कि मुझे एंथम वगैरह आती नहीं है, तो इसलिए मैं स्किप भी कर देता हूँ इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे अपने प्लेयर्स वगैरह आ रहे हैं स्टेडियम के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही बात हो सकती है। यहाँ पे आ चुका है मतलब बॉलर, ये अपना बैट्समैन है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कौन होने वाला है। सिमोंस लिखा है, पता नहीं यार कौन सा बैट्समैन है, इतना मुझे पता नहीं है भाई। इंडिया के क्रिकेटर्स के नाम मुझे पता होते हैं भाई, और बाकी अदर्स कंट्री के तो नहीं पता होते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। ओके, तो ये इस तरह फेंकेगा, मैं ट्राई करूँगा भाई। पेट में आके बॉल लग गई यार, काफ़ी ज़्यादा गलत बॉल फेंकी थी इस बंदे ने, बहुत ज़्यादा गलत फेंकी भाई। मैंने बल्ला घुमाया तो सही, बट पेट में आके वह लग गई। मुझे और भी थोड़ा अच्छे सीखने की ज़रूरत है, और मैंने आज इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करी है, मैं थोड़ा अच्छा खेलने लगा। अभी दिखाता हूँ आपको, ये लो भाई। अरे यार, ये भी खाली निकल गई यार, मुझे लगा था इसमें पक्का से लगने वाला है, बट कोई बात नहीं, ये भी इसने खाली निकाल दिया। अभी आ रही है नेक्स्ट वाली बॉल की, क्योंकि थर्ड बॉल है। ओके, तो इसमें देखते क्या होने वाला है। यहाँ पे जल्दी फेंक दे, इस पर तो पक्का मारूंगा भाई, इस पर तो पक्का मारूंगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये लगी ना भाई, 6 ही रन जाएगा पूरा, 6 भाई, 6। देखा, मैंने बोला था ना भाई, इस वाले पे तो अपने को मारना ही है। तो यहाँ पे सेज आ चुका है, एम्पायर ने अपनी मतलब उंगली दोनों खड़ी कर दी है। तो ये अपना 6 रन हो चुका, काफ़ी तो बढ़िया बात है। रिप्ले वगैरह दिखा रहा है, जो कि मुझे नहीं देखना भाई, रिप्ले में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे सीधा गेम में लेके आओ। तो यहाँ पे चौथी बॉल आ रही है, देखते चौथी बॉल पर क्या होता है। और ठीक है, जल्दी से यार, यहाँ पे एक तो टप्पा नहीं दिखता ना, अभी टप्पा दिख चुका है, ख़त्म। ये भी गई, बहुत ज़्यादा ज़ोर से मैंने मारी है, मुझे लगता है कि भाई 6 ही जाना चाहिए, बट यहाँ पे फील्डर ने पकड़ ली भाई। मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारी थी, बट फिर भी यार बॉल फील्डर के हाथ आ गई थी, तो अपना 1 ही रन हो पाया है, कोई बात नहीं, ठीक बात है। तो यहाँ पे ई लेविस आ चुका है, पता नहीं कौन प्लेयर है ये, तो इसके देखते हैं कि ये क्या कुछ कर पाएगा। अब ऐसे खेलने में तो मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेयर होगा, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। तो चलो देखते क्या होता है। मैंने टप्पा तो देख लिया, मैं घुमाने वाला हूँ, सीधा लगी है भाई, यहाँ पे आप बोल सकते हो कट लग चुका है मेरे बल्ले से, और यहाँ पे 4 जा सकता है, बट भाई फील्डर ने पकड़ लिया। 3 रन तो आराम से मैं दौड़ूंगा, कुछ भी हो जाए भाई 3 रन तो मैं दौड़ूंगा। फील्डर ने भाई एक बार में हाथ में बॉल ही नहीं पकड़ी, तो 3 रन अपने यहाँ पे आ चुके हैं। 4 बॉल पे अपने यहाँ पे 10 रन हो चुके हैं, नहीं 5 बॉल पे, क्योंकि यार एक बॉल मैंने वैसे भी मार दी थी ना, तो हाँ 5 बॉल पे मेरे यहाँ पे 10 रन हो चुके हैं। अभी बारी है फाइनल ओवर की, लास्ट की, तो देखते इसमें क्या होता है। अब मैं सोच रहा हूँ घुमा देता हूँ अच्छे से, और फेंक भी काफ़ी सही रही है। तो चलो ठीक है, यह गई, 6 जाएगा या 4, 4 रन, ठीक है भाई 4 रन से भी अपन मतलब संतुष्ट हो जाएंगे। तो अपने यहाँ पे 14 रन हो चुके हैं 1 ओवर में, जो कि अच्छा खासा स्कोर है यार। अगर मैंने तगड़ी वाली बॉलिंग करी है ना, तो मैं ये वाले मैच को विन भी हो सकता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं हार जाऊँगा। तो चलो ये देखते हैं अपना, यहाँ पे फर्स्ट वाला ओवर कम्प्लीट हो चुका है, अपने यहाँ पे 14 रन है 1 ओवर के अंदर। अब बारी यहाँ पे सेकंड वाले ओवर की, तो ये कुछ अपने बैट्समैन वगैरह जो कि काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं। 1 बॉल पे 3 रन एक ने बनाए, 1 ने 5 बॉल पे 11 रन, तो ठीक ठाक प्लेयर है यार, ऐसी बात नहीं है कि खराब है, बहुत ज़्यादा सही खेल रहे हैं ये। और खेलते वैसे मैं रहा हूँ, इनको तो बस बल्ला ही घुमाना है। तो चलो देखते क्या होता है। अब मैं जो यार थोड़ी देर पहले टप्पा दिख जाए ना, तो मैं और अच्छा खेलूँ, बट यार टप्पा पहले नहीं दिखता। ये घुमा दिया मैंने, और जाएगी काफ़ी सही से, 6 रन जाएगा क्या? 6 ही गया मुझे लग रहा है, हाँ। तो यहाँ पे मेरे 20 रन हो चुके हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात हो चुकी है यार। मैंने फर्स्ट बॉल पे मतलब बॉलर का मतलब कॉन्फिडेंस लो कर दिया है, पहली बॉल पे छक्का लगता है ना, तो बॉलर भी थोड़ा डर जाता है कि भाई यार काफ़ी ज़्यादा गंदी तरीके से बंदे ने मारा है, शुरुआत कर दी है मैंने, समझ लो आप। यहाँ पे तो बारी यहाँ पे सेकेंड वाले बॉल की, आउट स्विच, और ये गया गया, कितने रन जाएंगे? अरे भाई कैच पकड़ लिया यार, भाई छोड़ नहीं सकते थे क्या यार, 1-2 रन तो आते कम से कम। भाई कैच पकड़ लिया यार, आउट कर दिया मुझे, कोई बात नहीं,
नेक्स्ट प्लेयर की बारी है भाई, अच्छा खेल गया है, 3 बॉल पे 9 रन, भाई गर्व कर तू खुद पे यार, 2 ओवर का तो गेम था। अभी बारी है यहाँ पे मेरे नेक्स्ट वाले प्लेयर को सिलेक्ट करने की, तो यहाँ पे मैंने क्रिस गेल को सोच रहा हूँ ले लूँ, बट नहीं, मुझे यहाँ पे कैरन पोलार्ड चाहिए भाई, पोलार्ड का भी काफी ज्यादा नाम वगैरह सुना है, तो चलो देखते हैं कैसा खेलेगा। क्रिस गेल को इसके बाद ले लेंगे, क्योंकि यार क्रिस गेल लेफ्ट हैंडी और मुझे यहाँ पे यार राइट हैंड वाला मतलब बैट्समैन चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे कैरन पोलार्ड को ले लिया है। और ये फेंक रहा है यहाँ पे आउट कटर, जो कि काफी ज्यादा जोर से मैंने मारी है, तो छक्का ही जाएगा लग रहा है, बट भाई ये भी पकड़ ली इसने यार, मतलब इनके फिल्टर टॉप क्लास है भाई, ऑस्ट्रेलिया के फिल्टर बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे यार सिमोन्स भी जा चुका है, अच्छा ये कॉरन पोलार्ड ने नहीं मारा था, सिमोन ने मारा था, तो ठीक है यार यहाँ पे शायद 3 बॉल हो चुकी है, क्योंकि फर्स्ट वाली पे मैंने यहाँ पे बाउंड्री मारी थी, 2 विकेट लगातार गए हैं। तो अब बारी यहाँ पे रसल की, मैं रसल को लेके आ चुका हूँ, शायद रसल अच्छा खेलेगा, रसल वैसे बहुत अच्छा खेलता है, कोलकाता नाइट राइडर के लिए मैंने देखा भाई रसल तबाही मचा देता है, और ना मुंबई इंडियंस में यहाँ पे कैरन पोलार्ड, IPL की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो भाई काफ़ी जोर से मैंने घुमाया, तो पक्का चौका जाएगा, गया भाई पोलार्ड भी, भाई क्या बंदे हो यार, थोड़ा तो सही खेल रहे हो, मतलब तुम्हारे में इतनी ज़्यादा तारीफ वगैरह कर रहा हूँ, और तुम एक के बाद एक आउट होते जा रहे हो भाई, 0 रन पे जा रहा है भाई, शर्म कर खुद पे। तो चलो भाई अब बारी यहाँ पे क्रिस गेल की, मैं सोच रहा हूँ क्रिस गेल को ले आता हूँ अपना, ये है क्रिस गेल, जो कि यार लेफ्ट हैंड ही यार, इसलिए मुझे लाने का मन नहीं हो रहा था, बट ठीक है क्या करें भाई, लाना पड़ेगा ना यार, वो है ही नहीं और कोई अपने पास चॉइस ही नहीं है, बाकी सब मुझे प्लेयर्स यार थोड़े ऐसे लोकल से ही लग रहे, तो यहाँ पे मैं क्रिस गेल को ला चुका हूँ। अब अपने सामने यहाँ पे अभी रसल, एंड्रे रसल, और ये मार दिया भाई मैंने, ये तो पक्का 6 रन जाएगा, और गया भाई बिल्कुल गया, तो 5 बॉल पे मेरे यहाँ पे 26 रन हो चुके हैं। अभी बारी यहाँ पे फाइनल वाली बॉल की, तो पता नहीं उस पर क्या होने वाला है, बट मैं काफ़ी ठीक ठाक सा खेला हूँ यहाँ पे, चलो हटाओ यार, रिप्ले नहीं देखना है मुझे, बिल्कुल भी रिप्ले नहीं देखना है। अभी बारी है यहाँ पे फाइनल वाली ओवर की, लास्ट की, तो देखते हैं इसमें क्या होने वाला, अगर एक बाउंड्री और चली जाती है ना तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि एक एक रन से भाई गेम हारे और जीते जाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एक बाउंड्री और चली जाए। ओके मैंने घुमा तो दिया, शायद ये बाउंड्री जाएगी, एक ही रन आ पाया, तो यहाँ पे मेरे 27 रन हो चुके हैं। आप बोल सकते हो कि अपने अपोनेंट टीम ऑस्ट्रेलिया को 28 रन चाहिए, 2 ओवर में 28 रन, तो हो सकता है भाई 12 ओवर में 28 रन, तो भाई जीत भी सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है, चलो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो मैं अपने ब्रावो को लेके आ चुका हूँ यहाँ पे बॉलिंग के लिए, और ऑस्ट्रेलिया की टीम से यहाँ पे बैटिंग के लिए आए हैं डेविड वार्नर और एडम फिंच, तो देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। ब्रावो से मैं दिखाता हूँ बॉलिंग, और यहाँ पे सामने डेविड वार्नर है, सोच रहा हूँ मैं यार कैसे भी करके इनको रोक दूँ, 2 ओवर मुझे 12 बॉल तक रोक के रखना है इनको, 28 रन नहीं बनने देना है, बट भाई जीत भी सकते, पता नहीं यार क्या होगा भाई। पहली बॉल पे बंदे ने घुमा दिया वार्नर ने भाई, एक बोलते यार लास्ट तो रख लेते कम से कम, यार पहली बॉल पे ही घुमा दिया, तो यहाँ पे 6 रन जा चुका है पहली वाली बॉल पे। भाई अब मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ कि यार मुझे बॉलिंग मतलब थोड़े अच्छे से करनी पड़ेगी, मैंने तो सोचा फेंक देते छींच जाऊँगा, आउट हो जाएगा, नहीं मार पाएगा, बट भाई बंदे ने पहली बॉल पर घुमा दिया, ले चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखते सेकेंड वाली मैं बॉल फेंक रहा हूँ, ओके इसको मैंने, अरे नहीं भाई ये भी चौका चला गया लग रहा है, रोक लो पकड़ लो कोई, भाई कोई है नहीं यार, मेरे फिल्टर्स पता नहीं यार, वेस्ट इंडीज़ के फिल्टर अच्छे से फील्डिंग नहीं कर रहे भाई, कहीं तो अच्छी जगह खड़े होते भाई, पता नहीं यार कहाँ पे खड़े थे, ये चौका चला गया ये भी बताओ। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 बॉल हो चुकी है, 2 बॉल पे 2 बाउंड्री लगातार मारी है यहाँ पे, मैं सोचा थोड़ी वाइड तरफ रखते हैं अपन बॉल, जैसे कि ये मार ना पाए, तो मैंने थोड़ी सी मतलब बोल सकते बैट की तरफ रखी है, बैट से भी थोड़ी सी आगे की तरफ, पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। ये देखो यॉर्कर टाइप की बॉल थी, ये काफ़ी था बढ़िया बॉल मैंने फेंकी है, तो इसी टाइप की मैं सोच रहा हूँ बॉल फेंकता हूँ, थोड़ी सी साइड में रख के, 3 बॉल हो चुकी है, 10 रन है, साइड में ही रखूँगा मैं बिल्कुल वाइट के आसपास। ओके तो ये काफ़ी था बढ़िया जगह मेरे को लग रहा है मैंने रखी है, बस वाइट ना चली जाए, अगर ये पीछे की तरफ टर्न होती है ना मतलब अंदर की तरफ आती है ना बॉल, ओ भाई इसने यार काफ़ी ज़्यादा मतलब एंगल लेके मारा है, 6 रन बताओ यार, ये ऐसा होता है कहीं पे, इसने 6 मार दिया यहाँ पे, एंगल लेके उसने मारा था बिल्कुल, इसलिए यहाँ पे अपना 6 रन जा चुका है यार, काफ़ी तक गंदी तरीके से मार रहा है। 16 रन बन चुके भाई 4 बॉल पे, कहाँ मेरे 14 रन थे एक ओवर में, इनके 16 बन चुके, तो मुझे लगता है जीत भी सकते हैं यार, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से मार रहे भाई, डेविड वार्नर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ओके भाई अभी ये वाली बॉल में मैंने इसको चकमा दे दिया, 5वीं बॉल में मैंने थोड़ा बाउंस रखा था, तो ठीक है अभी बारी यहाँ पे ओवर की लास्ट की, इस पर मैं थोड़ा बाउंस रख रहा हूँ, शायद इस पर यह ना मार पाए, बाउंस तो मैंने रखी है बिल्कुल ही भाई, बस चढ़ जाए बोल यार चढ़ जाए, वो इस पर भी इसने घुमा दिया है, बट भाई कैच कैच यहाँ पे डेविड वार्नर गया भाई, बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से मार रहा था, बट फाइनली मैंने फाइनल वाली बॉल पे इसका विकेट ले लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात थी, अगर ये आउट नहीं होता ना तो ये बंदा भाई अकेले पूरी टीम को जितवाने का दम रखता था, 6 बॉल पर 16 रन भाई कौन मारता है, काफ़ी ज़्यादा गंदी तरीके से मारा था यहाँ पे डेविड वार्नर ने। तो अभी बारी है भाई यहाँ पे सेकंड वाले ओवर की, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ स्पिनर को लेके आता हूँ, तो यहाँ पे कोई हुसैन करके है, इसको मैं लेके आ चुका हूँ, रैम मार्स आया है यहाँ पे, पता नहीं भाई ये कौन सा प्लेयर है, इसका मुझे फुल नाम नहीं पता है, तो देखते हैं इस वाले ओवर में क्या होता है। यहाँ पे मैंने स्पिनर को मैं लेके आया हूँ, शायद स्पिनर से काम बन जाए, क्योंकि यार फास्ट वाले ने 16 रन बनवा दिए थे, और अभी 16 होंगे तो 32 हो जाएंगे, और भाई मैं मैच को हार जाऊंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पिनर से बॉलिंग करवाई है। एक बॉल हो चुकी है काफ़ी अच्छी, पहली वाली बॉल तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से हुई है, बारी यहाँ पे सेकंड वाली बॉल की, तो देखते इसमें क्या होता है यार, मारते काफ़ी ज़्यादा गंदा यार ऑस्ट्रेलिया वाले,
चलो देखते इस पे। मैंने थोड़ा ना बैट की तरफ बॉल रखी है भाई, घुमा दिया इसने, पकड़ लेना भाई कोई है फील्डर, ओके एक फील्डर है अपना। अच्छी भाई बहुत तगड़ी फील्डिंग करी है तूने भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए बंदे के लिए यार, बहुत तगड़ी फील्डिंग करी है भाई। एक बार में बंदे ने बॉल पकड़ ली, ऐसा नहीं कि रुका और उसके बाद फिर से पकड़ी है, तो दो बॉल हो चुकी है यहाँ पे 18 रन है। मैं जीत सकता हूँ अगर स्पिनर अपना कमाल दिखा दे तो। बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर रहा हूँ मैं भाई, बहुत ज़ोर से इसने घुमाया बट कैच होगा, मुझे पता था ना भाई ये तगड़ा फील्डर मेरा यहाँ पे खड़ा था तो कैच होना तो कन्फर्म था। चलो यहाँ पे विकेट गया इस वाले बंदे का भी, शायद एम मास का काम तमाम कर दिया मैंने यहाँ पे, या फिर एडम फिंच होगा, नहीं एम मास का मैंने काम तमाम कर दिया। तीन बॉल पे दो रन भाई, शर्म कर, बॉल चाट के चला गया, एक बॉल फोकट में हरवा रहा है तू अपनी टीम को भाई। मैं जीत भी सकता हूँ यहाँ पे, स्मिथ आ चुका है और भाई स्मिथ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बैट्समैन है। चलो देखते स्टीव स्मिथ क्या कर पाएंगे यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी मतलब बाउंस टाइप में रखता हूँ, हाँ तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बाउंस भी नहीं दी, थोड़ी सी बाउंस रखी है। अब देखते इस पे क्या हो पाएगा, अपनी तीन बॉल यहाँ पे हो चुकी है। और भाई ये पीछे घुमाने की कोशिश कर रहा था, ये एडम फिंच होगा पक्का, हाँ क्योंकि यही पीछे वाले शॉट खेलता है, तो बढ़िया नहीं लग पाया इससे, इसकी मिस हो गई ये वाली बॉल। अभी दो बॉल बची है, अगर ये वाली बॉल खाली जाती है ना तो पक्का मैं मैच मेरे हाथ में आ जाएगा, मैं जीत जाऊँगा। इस पर खाली चल जाओ भाई, बहुत ज़ोर से घुमाया मेरा फील्डर तो है बट भाई यार इतनी ज़्यादा ज़ोर से उसने मारा था ना कि फील्डर रनिंग करते ही रह गया। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम क्योंकि 4 रन मार दिए उसने यार, अभी भी इनके जीतने के चांस है। अब मुझे कुछ भी करके ओवर की लास्ट वाली बॉल को कुछ भी करके रोकना पड़ेगा, वरना भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया विन हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया विन हो यार, मेरी टीम विन हो ना, वेस्ट इंडीज़ मैंने लिया तो वेस्ट इंडीज़ को विन होना चाहिए। पता नहीं क्या होगा, मैं थोड़ा सा मतलब बाउंस टाइप नहीं रखते हैं अंदर की तरह बिल्कुल, मैं स्ट्रेंथ बॉल फेंक रहा हूँ भाई, बैट पर जाएगी मुझे पता है बट नहीं घुमाए। ओ भाई काफ़ी ज़्यादा हेलीकॉप्टर शॉट मार दिया गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया विन हो जाती है यार। मुझे लगा नहीं था ऑस्ट्रेलिया विन होगी भाई, बिल्कुल हार्ट मतलब बोल सकते हो धक धक करने लगा था यार साथ में विन हो जाऊँ, बट 8 विकेट से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया विन हो चुकी है। हम यहाँ पे हार चुके हैं बट कोई बात नहीं, मैंने पूरी कोशिश करी थी यार, फाइनल बॉल तक अपना गेम गया था। अगर आप बोल सकते हो मेरे 3-4 रन ज़्यादा होते तो मैं आराम से ये वाले मैच को विन हो सकता था, वही 3-4 रन से मैं हार चुका इस वाले मैच को। तो चलो फिर आज की वीडियो को यहाँ पे कर देते हैं, अगर आप वीडियो कर देना लाइक, चैनल लेना सब्सक्राइब, साइड वाले पर लाइक नोटिस कर देना, कमेंट बताना कि हमको और कौन सी टीम के साथ मैच करवाना चाहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।